आपका आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मित्र पर। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान में जो तारबंदी योजना ना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करने के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, साथ ही साथ उसको 50% सब्सिडी दे रही है। उस योजना की आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों योजना बहुत पहले से चली आ रही है, सभी को पता है, लेकिन इस योजना में हाल ही में जारी हुए बजट में कुछ नई घोषणा की गई है। जो इसकी पात्रता है उनको कुछ जो किसानों को जो पहले जो सीमाएँ थी वो कुछ कम कर रखी थी, उन जो क्षेत्रफल है आपका उसको भी बढ़ाया गया है, ज़मीन का जो क्षेत्रफल है उसको भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो तीन कृषकों का समूह की बात की जा रही थी उसमें भी कमी लाई गई है। तो राजस्थान सरकार में इसने योजना में नई काफ़ी अपडेट जो है बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, जो कि सभी जो है आपके 1 अप्रैल के बाद लागू होने वाली है। तो चलिए क्या डिटेल है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ये योजना क्या है, आप इसका कैसे आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज बताऊंगा मैं, नई अपडेट क्या है, साथ ही साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको 40% सब्सिडी और 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट डले उसका नोटिफिकेशन आप जब भी लेटेस्ट वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, या चैनल पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उनका आपको अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और तमाम योजनाओं के नोटिफिकेशन और भर्तियों के नोटिफिकेशन और सिलेबस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, जानकारी मित्र के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर वीडियो। राजस्थान में मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान में जो तारबंदी योजना है, देखिए राजस्थान तारबंदी योजना में किसानों को उनके खेत के चारों तरफ तारबंदी करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें योजना में आने वाले कुल खर्च में से सरकार किसानों को 50% खर्च देती है। छोटे किसानों को खेत की तारबंदी करने के लिए वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी सरकार का जो छोटे किसान होते हैं उनको अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी के लिए वित्तीय सहायता जो का वित्तीय मतलब खर्चे का जो है सामना करना पड़ता है, वित्तियों की जो है आपका सामना करना पड़ सकता है। बिना तारबंदी के देखिए फसलें जो है नीलगाय हो गए, रोज हो गए, काफ़ी ज़्यादा आपकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और काफ़ी फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो कृषि को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और आवारा पशु नीलगाय आदि से आपकी खेती को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये योजना चलाई है, राजस्थान तारबंदी योजना। इसमें राजस्थान सरकार ने लेटेस्ट अपडेट क्या दिया अब देखिए, वो मैं आगे बात करते हैं। देखिए राजस्थान तारबंदी योजना के तहत अधिकतम 400 रिनिंग मीटर की लंबाई तक अधिकतम एक किसान को 40,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। तीन किसानों को 1,20,000 या लागत मूल्य का 50% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये योजना थी कि इसमें जो आपको जो तारबंदी आप कराएंगे तीन किसानों के समूह द्वारा की जा रही थी, जिनके आसपास के खेत हैं उनको तीन किसानों के समूह में आपको आर्थिक सहायता दी जा रही थी, कम से कम तीन कृषकों का समूह होना चाहिए योजना में, ये था। ठीक है, ये तो योजना में जो पुरानी पात्रता थी ये थी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें नई पात्रता क्या ऐड कर दी, कि 50% आपको सब्सिडी दी जा रही है और अनुदान जो आपको 40,000 रुपये दिया जा रहा है वो आपको कैसे मिलेगा, चलिए और आगे ये इस योजना में बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान तारबंदी योजना हेतु पात्रता, राजस्थान तारबंदी योजना हेतु आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है। देखिए आप ये योजना सिर्फ राजस्थान निवासियों के लिए है, आप अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ही आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हैं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि आवश्यक होना चाहिए। देखिए 0.5 यानी लगभग आपके पास 2 बीघा जमीन होनी चाहिए, 2 बीघा के आसपास की सरकार ने इसका जो है भूमि का जो एरिया रखा था अब सरकार ने उसको और बढ़ा दिया, यानी आपके पास पहले तो 0.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी था, सरकार ने जो नए बजट में घोषणा की अब उसको बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आगे मैं बात कर लेता हूँ, इस योजना के तहत किसानों को 50% सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, यानी जो भी आपका खर्च आएगा उसमें 50% की सब्सिडी आपको राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। वित्तीय राशि किसानों के खाते में प्रदान की जाएगी, जो आपका बैंक खाता आप योजना में लगाएंगे उसमें ये सहायता राशि आपके आ जाएगी। राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत 40,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपको न्यूनतम 50% पैसे प्रदान करने होंगे। पहले से ही किसी योजना का यदि लाभ ले रहे हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आप इस तारबंदी से संबंधित और कोई योजना का आप लाभ उठा रहे तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
50% अनुदान आपको देना होगा, यानी जितना भी आपका तारबंदी में खर्च आएगा 50% आपका रहेगा, 50% जो है राजस्थान सरकार आपको उस पर सब्सिडी दे रही है। आगे चलिए और बात कर लेते हैं इसमें। देखिए पहले देखिए जैसे ये पात्रता थी, आपको मैं दिखा दूं जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सभी श्रेणियों को कृषकों के लिए जो कर समुदायिक आधार पर जिसमें कम से कम 3 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है। पहली पात्रता ये थी कि इसमें आपके पास 3 हेक्टेयर भूमि 3 कृषकों का समूह होना चाहिए। लेकिन अब आगे देखिए जो नई, यह आप देख सकते हैं ये राजस्थान बजट में घोषणा की गई है। देखिए नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाव व रोकथाम के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। राजस्थान में जो फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है जिसके तहत आपको राजस्थान तारबंदी योजना के तहत आपको 50% की सब्सिडी दी जा रही है, 40,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। आगामी 2 वर्ष में 1,25,00,000 मीटर तारबंदी या फिर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाकर 35,000 से अधिक किसानों को लाभांवित किया जाएगा। तारबंदी योजना में 3 किसानों की 1 यूनिट का मानने की शर्त को समाप्त कर दिया गया, यानी जो 3 यूनिट का 1 कृषक माना जा रहा था या कि आपके 3 कृषकों का समूह था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। और इस सीमा को 1.5 हेक्टेयर किए जाने की घोषणा करता हूँ। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें, जो इन्होंने कृषि बजट प्रस्तुत किया था उसमें ये इनके भाषण थे, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के। पूरे डिटेल में आपको देता हूँ। देखिए जो पहले 3 कृषकों का समूह था, अब आपको व्यक्तित्व कर दिया, यानी आपका सिंगल का रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, आपका खुद का रहेगा। और जो पहले आपका 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा थी, अब उसको बढ़ाकर आपका 1.5 हेक्टेयर यानी लगभग आपके 5 बीघा के आसपास कर दिया गया। तो ये बड़ी छूट इस बार बजट में अनाउंस हुई। लगभग 35,000 किसानों को इसका फायदा दिया जाएगा। और जो अनुदान जैसे कि बात कराई कि इसमें 100 करोड़ का लगभग अनुदान दिया जाएगा किसानों को, 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। खर्च इस पे 1,25,00,000 के आसपास आने वाला है। देखिए इस योजना को पहले ही बताया गया था, पहले आओ पहले पाओ, जिनका आवेदन इस योजना में, जो किसान भाई जिनका आवेदन पहले किया जाएगा इस योजना में, उनको 35,000 के लगभग इस किसान को इस योजना को लाभ दिया जाएगा। और ये जो बजट में अब घोषणा हुई है, मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में अपनी बता चुका हूं, जो मैंने नई वीडियोस डाली हैं कि जो राजस्थान सरकार घोषणा कर रही है वो लागू कब से होगी, वो सब जो बजट आपके लागू होगा 1 अप्रैल के बाद आपके लागू होगा। तो ये जो बजट में सभी घोषणा हो रही है इनका फायदा जो है 1 अप्रैल के बाद सरकार देना आपको शुरू करेगी। तो जो आपकी 0.5 हेक्टेयर भूमि थी उसको बढ़ाकर 1.5 हेक्टेयर कर दिया गया, और जो 3 किसानों का समूह था अब उसको समाप्त करके आपका इंडिविजुअल कर दिया गया, यानी एक व्यक्ति आपका खुद का आप जो है उस पर कर सकते हैं, आप 3 कृषकों के मौके इसमें आवश्यकता नहीं है। ये एक राजस्थान सरकार ने घोषणा किया था फसल सुरक्षा मिशन के तहत, इस योजना में ये राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी। आगे और मैं इस योजना के बारे में आपको बता देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं इस योजना में आप जो है आपको दस्तावेज कौन कौन से आवश्यकता होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए नवीनतम जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ऑनलाइन आवेदन पत्र की मूल प्रति और सभी दस्तावेज हस्ताक्षर युक्त होने चाहिए। अब सुनिए, आपके पास जमीन की आपकी जमाबंदी होना चाहिए, जमीन का आपका नक्शा होना चाहिए जिस क्षेत्र को आपको तारबंदी कराना है, आपके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, जिस किसान जो भी किसान अपने इसलिए आवेदन कर रहा है उसके परिवार का जन आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज आपकी रंगीन फोटो होनी चाहिए, और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आप ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन करवा के लाएंगे वो आपके पास होना चाहिए, और सभी पे जो है आपके सिग्नेचर होने चाहिए यानी हस्ताक्षर होने चाहिए, आपको सेल्फ अटेस्टेड उनको करने हैं। साथ ही साथ एक सूचना और मैं आप दे देता हूं आपको, जन आधार कार्ड में आपका बैंक डिटेल, जिस भी किसान के नाम से आप इस योजना का आवेदन करेंगे उसकी बैंक डिटेल आपकी जन आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और उसका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपके जन आधार कार्ड में सही होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा आपका ट्रांसफ़र होगा वो उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जो आपके जन आधार कार्ड से लिंक, सीधी राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। आधार कार्ड आप एक, आपको आधार कार्ड भी लगाना है, साथ में साथ राशन कार्ड भी आपको एक लगाना है, एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, मूल्यवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, और ज़मीन की जमाबंदी आपको लेटेस्ट अपनी जो ज़मीन की जमाबंदी लगानी है, साथ ही साथ उस खेत का नक्शा लगाना है जिसमें आप तारबंदी कराने चाहते हैं। तो ये मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, आपके पास जमाबंदी होनी चाहिए, लेटेस्ट जमाबंदी होनी चाहिए, खेत का नक्शा, आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए रंगीन फोटो, और आपके पास बैंक पासबुक हो, ये सभी पे आपके सेल्फ अटेस्टेड यानी आपके सिग्नेचर होने चाहिए। चलिए आगे और बात कर लेते हैं इस योजना पर।
अब मैं बताता हूँ आपको तारबंदी योजना का ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आप नजदीकी ई मित्र की सहायता से भी राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी नजदीकी ई मित्र केंद्र या तो आपके ग्राम पंचायत का या कोई भी नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आप तारबंदी योजना का आवेदन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको साथ ही साथ और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑफलाइन आवेदन की। ऑफलाइन आवेदन आप इसका कैसे कर सकते हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसके लिए आपको नजदीकी सुविधा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं, यानी आपका जो भी कृषि विभाग है ब्लॉक लेवल पर या आपके ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी कृषि केंद्र है आपको वहां पर जाना है, जो भी आपके कृषि पर्यवेक्षक होते हैं उनसे आपको इस योजना की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसका ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा, वो तमाम डिटेल आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपको फॉर्म वगैरह सब आपको वो आपका जो कृषि केंद्र है या कृषि पर्यवेक्षक है वो आपका अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, वहाँ आपको तारबंदी योजना का फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी होगी। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर सही भरें, फिर अधिकारियों द्वारा इसकी पात्रता की जांच के बाद आपका पैसे दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप इसका खुद भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, सीधे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाइए, वहां आपको पूरी जानकारी इस योजना की प्राप्त होगी, साथ ही साथ इसका ऑनलाइन आवेदन आपको कर दिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म जो आपको इस फॉर्म भरना है ये आपको आपके कृषि केंद्र से मिलेगा, जो आपके ब्लॉक लेवल पे होता है या आपके ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, वो आपको कृषि पर्यवेक्षक जो भी आपके कृषि पर्यवेक्षक हैं आपको पता करके उनसे संपर्क करना होगा, वो आपको फॉर्म अवेलेबल करवा देंगे। वो फॉर्म आपको अगर ऑफलाइन भरना है तो उनके पास आपको कृषि पर्यवेक्षक जो होंगे उनको आपके पास जमा कराना होगा, उसमें अपनी सभी डिटेल सही भरें, खासकर आपके मोबाइल नंबर सही फीड करें, उसके द्वारा ही आपको जानकारी दी जाएगी। ई मित्र केंद्र पर जाके आप इसका ऑनलाइन आवेदन स्वयं भी करा सकते हैं, जाके आप ऑनलाइन आवेदन इसका ई मित्र केंद्र पर भी करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जाके अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां से भी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तारबंदी योजना, जो मैंने आपको पूरी डिटेल दी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तमाम जानकारी मैंने दे दी, इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले जो 3 कृषकों का समूह था उसको समाप्त करके इंडिविजुअल कर दिया गया है, सिंगल व्यक्तित्व, तो अब आपका होगा जो जमीन आपकी 0.5 हेक्टेयर थी अब उसकी सीमा को बढ़ाकर आपका 1.5 हेक्टेयर कर दिया गया, यानी 2 बीघा से बढ़ाकर 5 बीघा लगभग कर दिया गया। तो राजस्थान सरकार की एक बड़ी घोषणा है, इसमें लगभग 100 करोड़ का अनुदान 35,000 किसानों को दिया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद ये जो घोषणाएं हुई हैं बजट में वो सभी प्रभावी हो जाएंगी और इस योजना के तहत जो किसान ज्यादा जिनके आवेदन पहले किए जाएंगे उनको ही इस योजना को 35,000 के लगभग किसानों को लाभ दिया जाएगा। तो तमाम जानकारी मैंने आपको दोस्तों दे दी है। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको के लिए। एक लगातार ऐसी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, जो किसान भाई हैं जिनको योजना की जानकारी नहीं है, तमाम योजनाओं की जानकारी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल्स की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।